सरकार की योजना अग्निपथ के विरोध में पलवल में कल हुए प्रदर्शन के बाद आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में युवा प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम करने की कोशिश की, जिसे भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने नाकाम कर दिया। पथराव करते युवाओं की तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की है। यहां युवाओं ने प्रदर्शन किया है। अग्निपथ योजना घोषित होने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सब्जी मंडी पर युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। साथ ही हाईवे जाम करने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हाईवे जाम करने से रोका, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि एक दो मिनट के लिए पथराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाईवे से भगाने के लिए मजबूर कर दिया। भागने पर और हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी रहा, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने अपील की है कि कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अगर उसमें हिंसा हुई तो फिर पुलिस सख्ती से निपटेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है पूरे फरीदाबाद में 144 CRPC की धारा लगी हुई है, तो इसमें कुछ लोगों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश करी थी यहाँ पे, तो पुलिस ने उनमें से करीब 65 लोगों को राउंड अप करा हुआ है अभी। और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे को जाम करने के लिए 5 साल की सज़ा होती है, तो इन पे FIR दर्ज की जाएगी और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यह सभी यूथ से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई उसमें पूरी करेगी। देखिए, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारे लगभग 2000 पुलिसकर्मी अभी ऑन रोड हैं, जो किसी भी गतिविधि को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन डेवलप होती है तो हम उसको काफ़ी प्रोफेशनली डील करेंगे।